हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम थ्री पीस ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लाइन फैब्रिक लिया है और जो मेन फैब्रिक में प्योर में है, और उसी के साथ मैंने उसका मैचिंग का दुपट्टा लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर को फोल्ड कर रखा है, जो मैंने कॉटन में लिया है। तो इसको मैंने खोल के, जैसे कॉटन की विड्थ होती है उस अकॉर्डिंग इसको खोल के डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम इसमें साइड में से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हम ऊपर से नीचे तक इसमें बिल्कुल सीधा निकाल लेंगे अलग से। उसके बाद में हम प्लाजो की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने 6 इंच निकाल लिया है। अब हम यहाँ ऊपर से मेजरमेंट करेंगे। तो हिप्स है वो 44 है, तो उसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे मार्किंग कर ली है। 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग छोड़ेंगे। यहाँ तो 1.5 मैंने यहाँ लूजिंग छोड़ दी है। अब हम यहाँ पे मैनी लेंगे। तो मैंने 13.5 इंच में मैंने यहाँ मैनी पे मार्किंग की है, और इसमें हम 1.5 इंच और ले लेंगे यहाँ से, और इसको गोलाई लगा देंगे। अब बिल्कुल सीधी हम नीचे की तरफ से भी ऐसे लाइन बना लेंगे। अब हमें प्लाजो की चौड़ाई लेनी है, तो पहले हम सेंटर निकालेंगे, तो उसका हाफ कर लेंगे। और सेंटर निकाल के बीच में हम मार्किंग कर लेंगे। और जो लेंथ है प्लाजो की वो 40 इंच है। 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। तो पहले हम ये जो साइड वाला कपड़ा है इसको कट करके अलग कर देते हैं, फिर प्लाजो की चौड़ाई लेंगे। अब लेग से ऊपर से हम गोलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैंने प्लाजो की चौड़ाई ली है। और इसी 3.5 इंच ही हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच है। अब दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई हम और लगा लेंगे, फिटिंग के अकॉर्डिंग है। अब दूसरी तरफ हम गोले लगाएं, तो इधर से भी हम 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और इसको लेग से पर से मिला के गोलाई लगा देंगे। ये हम ओनली फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब इसको उल्टा रख के हम यहाँ से गोलाई लगा देंगे। अगर लेग से पर ना भी हो तो आप यहाँ ऊपर से 1 इंच डाउन कर देना, और नीचे से 3.5 इंच करके और उसकी गोलाई लगा देना। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये फ्रंट हो गया। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट का डबल फोल्ड कर रखा था, वैसे भी हम बैक का भी डबल फोल्ड कर लेंगे। और उसके इसके ऊपर हम इसको रख देंगे।
ऊपर की तरफ थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें थोड़ा ऊपर जगह छोड़नी होगी। अब इसके पास पास में हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे और इसको मिला लेंगे। और यहाँ फ्रंट में से हम 1 इंच डाउन भी करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच ले लिए और यहाँ से भी 2.5 इंच ले लिए। अब इस चीज़ को मिला लेंगे और यहाँ गोलाई लगा देंगे। जैसे हम पेंट में मार्जिन छोड़ते वैसे ही हम प्लाजो में भी छोड़ेंगे, क्योंकि प्लाजो जो हमने फ्रंट कट किया था वो बिल्कुल फिक्स किया था, तो हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। तो ऊपर से दो इंच का है ऊपर से और नीचे से 1 इंच का मार्जिन दिया है। और यहाँ से भी 1 इंच हम डाउन करेंगे, फ्रंट पार्ट में ही करेंगे, ओनली बैक में नहीं। बैक में हमने प्लस किया है 1.5 इंच। तो यहाँ मार्किंग हो गई है, अब बाकी का हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट में हम प्लेट्स भी नहीं देंगे, इसलिए ज़्यादा मार्जिन हमने लिए भी नहीं है, लूजिंग ही लिए। बैक में हम प्लेट्स डालेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट बैक कट हो गया है। अब मैंने इसको मेन फैब्रिक पे रख के इनकी कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो पहले ऊपर रख के हम यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे। अब इसी के ऊपर रख के इसका अपोजिट पार्ट हम इसके ऊपर रख के मेहंदी पे सिलाई करेंगे। तो पहले ये जो मेन फैब्रिक है उसको रख लिया, ये लाइन वाला हो गया। अब हम इसको रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो ये फ्रंट हो गया, ऐसे ही हम बैक में भी कर लेंगे। तो बैक में यहाँ पे मैंने जो मेन फैब्रिक वो थोड़ा कम पड़ गया था, तो यहाँ हम एक जॉइंट लगा देंगे। अब इसको लेवल पे लेते हुए अब एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की जो मेनी है उस पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट भी हो गया है। यहाँ मैंने ऊपर कच्ची सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। और मैंने यहाँ जो टक्स की लंबाई है वो 7 इंच तक ली है,
सेवन या सिक्स में आप ले सकते हो, मेरे यहाँ सेवन इंच सिक्स इंच सही है। तो सिक्स इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे वन इंच मैंने चौड़ी डार्ट लगाई है और जो लेंथ है वो सिक्स इंच है ही। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच में मैंने मार्किंग की है और इसको फोल्ड करके वन इंच चौड़ी हम यहाँ पे इसको दबाएंगे और जो लेंथ है वो सिक्स इंच पे हम यहाँ से इसको मशीन को उतार लेंगे। तो ये बेक में भी रेडी है। ये बेक पार्ट हो गया। एक सिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको पूरे को ग्लू से चिपका लिया है। मैंने सोचा बिना चिपके काम चल जाएगा लेकिन चला नहीं। चलो इनको ग्लू लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी जो वेस्ट का है वो निकालेंगे। तो यहाँ इसको मैंने डबल कर लिया है, जितनी आ रही है उसका हम डबल कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक वैसे भी दोनों लेवल में आ गए हैं क्योंकि हमने पीछे डार्ट लगा दी है और आगे वाले में डार्ट बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट और बैक में जो बेल्ट की साइज़ है वो सेम ही आएगी। तो यह कट कर लिया है और मैंने इसको अस्तर पे चिपका के प्रेस से और जो मेन फैब्रिक है उसको ग्लू से मैंने चिपका के इसको रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। पहले हम यहाँ पे नीचे की तरफ से सिलाई कर लेंगे। वन साइड हमें जिप भी लगानी है तो पहले हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी दूर में पक्की सिलाई कर ली है। अब इसको फोल्ड करके मैंने यहाँ नीचे जिप लगा के इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अब ये जो हमने थोड़ी दूर में सिलाई लगाई थी वो हम नीचे तक पूरी लगा लेंगे। अब हम बेल्ट ऐड करेंगे। बेल्ट को मैंने नीचे की तरफ से लगा के फिर सिलाई करी क्योंकि हमें फ्रंट में लाना है। और अगर आप एक्स्ट्रा अलग से लगाना चाहो तो आप मैनी कम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैनी ऑलरेडी 13.5 इंच ले ली थी तो इसके ऊपर से ही हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये हो गया है। अब हम इसको बाहर की तरफ लेते हुए और इसको फोल्ड कर लिया। अब भाई इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये लग गया है। ऐसे ही मैंने बेक में भी लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे।
अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहो तो आप साइड में लगा सकते हैं। मैंने इसमें पॉकेट ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने अलग से पोटली बनाई है, तो मैंने इसमें पॉकेट ऐड नहीं किया है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब बिल्कुल मेनी के बराबर हम लेते हुए यहाँ मेनी से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना, दोनों तरफ बराबर आ जाए। हाफ इंच का मार्जिन लिया था तो हाफ इंच मैंने दोनों तरफ दबा दिया है। ऐसे ही अब दूसरी तरफ मैंने से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे और बॉटम पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ प्लाजो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारी फाइनल ड्रेस। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है इसलिए मैंने प्लाजो का अलग बनाया है, और जो दुपट्टा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और जो टॉप का वीडियो है अगर आपको चाहिए तो मैं उसका अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।